सीटों पर जेडीएस आगे है और दोपहर 2 बजे तक सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। और फिलहाल कांग्रेस काफी आगे नजर आ रही है बीजेपी से, और सुबह 8 बजे से ही सारी गिनतियां शुरू हो गई थी और कर्नाटक के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बहुमत के पार निकलती नजर आ रही है। पार्टी 116 सीटों पर आगे निकल चुकी है और बीजेपी भी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अभी कांग्रेस से काफी दूर है। और ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा का कहना है कि अभी कोई भी अंतिम फैसला देना जल्दबाजी होगी, 2-3 राउंड के बाद थोड़ा स्पष्ट होगा, लेकिन ये भी अभी अंतिम नहीं है। हर चरण में कड़ी लड़ाई है क्योंकि हमारे विपक्षी दलों ने हाथ मिलाए हुए हैं। और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी 104 पर है। ये 2018 का हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी 104 पर थी और कांग्रेस ने 78 सीटें जीती थी और जेडीएस भी 37 पर थी। ये 2018 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और काफी फर्क है 2018 और अब 2023 में। बीजेपी 104 सीटों में जीत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, कांग्रेस 78 पर ही सिमट गई थी, लेकिन इस बार बाजी कुछ पलटती नजर आ रही है। जो रुझान है, जो जीत है, वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है। 78 सीटों में थी पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में बीजेपी ने 104 सीटों में जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार 2023 में आंकड़े कुछ अलग ही हैं। कांग्रेस बढ़त के साथ है, कांग्रेस अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट्स का इंतजार है और कर्नाटक में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलती नजर आ रही है और कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंचती दिख रही है। पार्टी कई सीटों से आगे है जबकि बीजेपी कांग्रेस से पीछे नजर आ रही है और जेडीएस भी 18 सीटों से के साथ आगे चल रही है। कांग्रेस 122 सबसे आगे कांग्रेस है, बहुमत बनाती नजर आ रही है कर्नाटक में कांग्रेस, और 84 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है 137। कांग्रेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कांग्रेस के जो आंकड़े हैं वो, कांग्रेस 122 सीटों से आगे चल रही है, 18 सीटों पर जेडीएस आगे चल रही है। सारे आंकड़े सामने आने लगे हैं, हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट में टाइम है, 2 बजे तक जो तस्वीर है वो सारी स्पष्ट हो जाएगी और कर्नाटक में कांग्रेस आगे बनी हुई है और बीजेपी जो है वो पिछड़ती ही जा रही है। 2018 के हिसाब से काफी डाउनफॉल आया है बीजेपी की परफॉर्मेंस में। और हालांकि अभी कहना है नेताओं का कि अभी रुकिए, अभी अंतिम चरण तक पहुंचने दीजिए, अभी कोई भी पहले से ही कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आंकड़े कभी भी पलट सकते हैं। और 127 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 78 सीटों पर बीजेपी को भी बढ़त मिली है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की सीटों में के बीच में एक बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। कांग्रेस काफी आगे निकलती दिख रही है और बीजेपी के लिए possible, and I thank the people of Karnataka for voting very, very peacefully. Similarly, सीटों के साथ कांग्रेस पूर्ण बहुमत बनाती नजर आ रही है, जेडीएस 18 सीटों पर है और बीजेपी 84 सीटों पर बनी हुई है। कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी है बीजेपी से भी और कांग्रेस ने 122 सीटों पर आगे निकल चुकी है और अभी से जश्न का माहौल है, हवन भी चल रहा है, नाच गाना भी चल रहा है कांग्रेस में अभी। तो फिलहाल खुशी का माहौल नजर आ रहा है क्योंकि अभी इस रुझान के अनुसार तो कांग्रेस की सरकार बनाती नजर आ रही है और बीजेपी कांग्रेस से भी काफी ज्यादा पीछे है। और मुश्किल है कि वो डिफरेंस ये दोपहर तक, जब तक सारी गिनती पूरी हो रही है तब तक वो कवर कर पाए।